For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मिस्फा मलिक है और मैं एज अ सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट पिछले 20 साल से इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जोहर टाउन लाहौर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ, जिसमें ख़वातीन के दीगर मसाइल, उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड 9 महीने में होने वाले दीगर प्रॉब्लम्स, उनकी डिलीवरीज चाहे वो नॉर्मल हों, सेजेरियन से हों, पीरियड्स की सूरत में बच्चों के मसाइल, दर्द होना, कम होना, ज़्यादा होना या बहुत इरेगुलर होना, हार्मोनल प्रॉब्लम और महवारी बंद होने की सूरत में जो मसाइल होते हैं, यूट्रस में रसौली या यूट्रस में एक बीमारी एडिनोमायोसिस जो कि पीरियड्स के प्रॉब्लम कॉज करती है, ओवरी के मसाइल, ओवेरियन सिस्ट के मसाइल, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी, गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स, इस किस्म के तमाम मसाइल जिसमें लेज़र के ज़रिए होने वाली गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज भी हैं, इन तमाम शोबों में मैं अपनी खिदमात सर अंजाम देती हूँ। आज जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ वो बेसिकली अपनी पाकिस्तानी औरतों की एजुकेशन है। मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि अपनी प्रायोरिटीज़ में टॉप मोस्ट नंबर पे अपनी हेल्थ को रखिए, दुनियादारी में सबसे पहली चीज़ जो है अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। एक दिन अगर आप बिस्तर में पड़ जाएंगे तो तमाम नेमतें इंजॉय करने के आप काबिल नहीं रहेंगे जिसके पीछे हम पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। घर, मकान, बच्चे, पढ़ाई, उनके अच्छे रिजल्ट्स, हस्बैंड, उनकी खिदमत, ससुराल, पेरेंट्स, कपड़े, ब्रांड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ों को इंजॉय करने की नौबत तब आती है जब हमारी सेहत ठीक हो। एक दिन हमारी सेहत ठीक नहीं होगी, हमें कहीं पेन हो रही होगी, कोई ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होगा, बुखार होगा, एनीथिंग, वी आर गोइंग टू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग और आपको अपने लाले पड़ जाते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि प्रायोरिटी पे अपनी सेहत रखिए। हम सेहतमंद रहेंगे तो लाइफ को इंजॉय करेंगे, हम सेहतमंद रहेंगे तो वो तमाम प्यारे जिनके साथ हम अपने आप को वाबस्ता करते हैं, जिनके लिए हम अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, हम उनके लिए भी यूज़फुल और बेनिफिशियल रहेंगे। अदरवाइज़ हम खुद भी परेशान होंगे और उनको भी परेशान करेंगे। इसलिए अपना ये जो थ्रेशहोल्ड है ना जी डॉक्टर को दिखाने का, थ्रेशहोल्ड का मतलब जो शरायत हम लोगों ने अपने जहनों में बनाई हुई है डॉक्टर को दिखाने की, वो शरायत थोड़ी कम कीजिए। आमतौर पर मसला होता है तो हम कहते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा, फिर कोई मसला हो तो घर में अगर कोई सीनियर खातून है, कोई हमसाओं में, कोई रिश्तेदारों में, उनसे मशवरा किया जाता है, नहीं तो कोई आसपास जो भी डॉक्टर अवेलेबल हो फैमिली में, नेबर्स में, गायनोकोलॉजिस्ट है नहीं है, स्पेशलिस्ट है नहीं है, उनके कहने पे जो ये है वो, ये ट्रेंड है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। हालांकि उन डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो कहें कि आप ये मसला गायनी का है, आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, नहीं तो फिर हकीम और दवाइयाँ और दुआ दारू, इसके ऊपर जब पानी आसमान से सर से गुजर जाता है फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और कभी कभी यकीन करें ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा लेट मरीज आते हैं कि हम भी कहते हैं कि जी हम कोशिश करके देखते हैं लेकिन 100% गारंटी नहीं है। जैसे कैंसर की फॉर्म में, जैसे बहुत ज़्यादा हार्मोन्स इम्बैलेंस, वेट गेन इतना ज़्यादा, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। तो मुख्तसरन ये कि मैं बताना ये चाहूँगी कि कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे औरत को गायनोकोलॉजी के फील्ड में अपनी असिस्टेंस मांगनी चाहिए, अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। छोटी बच्चों के मसाइल, अगर उनको कोई डिस्चार्ज का मसला है, पेन का मसला है, ब्लीडिंग का मसला है जो कि अनयूजुअल है, माहवारी होने की शुरू होने की सूरत में पीरियड्स ठीक ना आना, कम आना, ज़्यादा आना, बार बार आना, महीने महीने स्किप कर जाना, पेन बहुत ज़्यादा होना, इवन थोड़ी पेन की फॉर्म में भी आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सजेशन लें कि जो पेन किलर्स कौन से प्रेफरेबल हैं, और ज़्यादा पेन की सूरत में तो ज़रूर जाएं ताकि रूल आउट हो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ज़्यादा, अगर है तो उसको मैनेज किया जाए ताकि वक्त पे ही उसका बंदोबस्त हो सके। सिमिलरली हार्मोनल इम्बेलेंस, जिसमें बिला वजह बच्चों का वजन बढ़ जाना या बच्चियों का वजन बहुत कम हो जाना, भूख का ना लगना, चेहरे पे, जिस्म पे बहुत ज़्यादा बालों का आना, बहुत एक्नी हो जाना, पीरियड्स ख़राब हो जाना, ये भी वो मसला है जिसमें आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंचना है। इसी तरह बढ़ते हुए जब वो शादी के करीब लड़कियां पहुंचती हैं तो कोई हार्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई बेशर्मी नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएं अपनी बच्ची को लेकर या बच्ची खुद जाए,
उसको बाकायदा चेकअप कराएं, कोई इशू तो नहीं है। और अगर फिजिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड बच्ची के जहन में सवाल हैं, वो आए हमारे पास और हमसे समझें, रादर देन हैविंग प्रॉब्लम इन देयर फ्यूचर लाइफ। शादी के फौरन बाद भी अगर कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, डिस्चार्ज का मसला होता है, ब्लीडिंग का मसला होता है, कोई भी इशू होता है, आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास पहुंचिए। प्रेगनेंसी की सूरत में अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास फौरन पहुंचें, हर महीने जाके चेक कराएं। आखिरी दो महीने में शायद आपको महीने से में एक या दो दफा जाना पड़े। खुदा के लिए जाएं, अपने और अपने बच्चे को खुदा के बाद महफूज हाथों के हवाले करें। प्रेगनेंसी डिलीवरी के जाहिर में तो उसमें तो आपने जाना ही है गायनोकोलॉजिस्ट के बाद, डिलीवरी के बाद भी अगले दो महीने बहुत क्रूशियल हैं जी। हार्मोन्स अंदर बहुत खेल खेलते हैं और बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं। इस वक्त आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट की इंतहा से ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वक्त एब्रप्टली मरीज़ डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ देते हैं, बच्चा हो गया सारे मसले ख़त्म, ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक टेस्ट है, उसको कहते हैं पैप स्मेयर। ये आइडियली शादी के बाद हर वो लड़की जो फिजिकल रिलेशनशिप में है, हर 3 साल के बाद होना चाहिए। गुजारा 3 साल के बाद एक छोटा सा टेस्ट कराने में, रादर देन हैविंग अ प्रॉब्लम एंड देन हैविंग नो आइदर नो सोल्यूशन और अ वेरी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ ऑपरेशन एंड रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, इनसे बचने के लिए आप हर 3 साल के बाद एक पैप्स में एक टेस्ट होता है, अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं। इट्स अ मैटर ऑफ हार्डली 5 to 10 minutes, वो टेस्ट लेबॉरेटरी में दें और ये तसल्ली कर लें कि आप में सर्वाइकल कैंसर या कैंसर से पहले वाली स्टेज का मसला नहीं है। इसी तरह अगला ट्रेंड ये है कि बच्चे पैदा हो गए, चलो जी वहाँ काम खत्म। गलत। कॉन्ट्रासेप्शन पे बहुत ध्यान कीजिए। अगर आपको लगता है अभी आपको बच्चे नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, अगर आपको लगता है आपने वक्फा करना है, तो बजाय उल्टे सीधे तरीके इस्तेमाल करने के और प्रेग्नेंट होने की फॉर्म में एबॉर्शन की तरफ जाने के, जो कि डॉक्टर्स नहीं करते, बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं, और उसके रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी हैं और उसके मेडिकल फिजिकल हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे पहले कॉन्ट्रासेप्शन को प्लीज़ अपने लिस्ट में रखें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूछें कि आपके हिसाब से बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन आपके सिनेरियो के हिसाब से कौन सा है। फैमिली कंप्लीट होगी, कॉन्ट्रासेप्शन का फैसला हो गया, आप 35 अबव चले गए 40, इसके बाद हम समझते हैं कि अब तो गायनोकोलॉजिस्ट का काम ख़त्म और अब हम बिल्कुल ठीक हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितना इम्पोर्टेंट आपका है अपने डॉक्टर के पास जाना, शायद ही कभी था। अपनी डॉक्टर के पास जाएं, अपने हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम है, पीरियड्स का कोई मसला है, ज़्यादा होते हैं, पेनफुल होते हैं, बार बार होते हैं, फौरन अपनी डॉक्टर के पास जाएं। ये वो वक्त है जिसमें हमें अपने गाइनी मेलिग्नेंट प्रॉब्लम होने के बहुत खतरे हैं, कैंसर। इससे जैसे कुछ चेंज महसूस करें, कोई डिस्चार्ज जो एंटीबायोटिक देने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, स्मेल है, कलर है, ब्लीडिंग अजीब वरीब है, ज़्यादा कम बार बार, फॉरन डॉक्टर के पास जाइए और वो जो आपको इलाज बताता है वो करें। मीनोपॉज से रिलेटेड मसले, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, स्वेटिंग, मूड स्विंग्स, बोन पेन्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, इस सूरत में भी अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं। एक और मैसेज जो मैं, और महावारी बंद होने के बाद पीरियड्स होना कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो एक कतरे की फॉर्म है। मेरे पास मरीज आते हैं, वो जी हमें महावारी बंद हुए 5 साल हो गए, 4 साल, 3 साल, तो पहले तो 2 साल के बाद सिर्फ एक कतरा लगा था जी, उसके 2 महीने के बाद 2 कतरे लगे थे, उसके 1 साल के बाद थोड़ी सी ब्लीडिंग, यानी इस पे उन्होंने कहा कोई बिग डील नहीं है। जब किसी दिन बहुत ब्लीडिंग हुई फिर वो हमारे पास आए और तब ये होता है कि आप कैंसर जो है वो काफ़ी हद तक, नॉट नेसेसरीली लेकिन अक्सर कैंसर होता है और देर हो चुकी होती है। ब्लीडिंग होने की और वजूहत भी हो सकती हैं, लेकिन मीनोपॉज के बाद वजह आम तौर पे अच्छी नहीं होती, थोड़ी खतरनाक होती है। इसी तरह मैं ये बताना चाहूँगी कि अपने डॉक्टर के पास जब आप जाएँ तो एक इशू, एक पॉइंट अपने जहन में लेकर जाएँ। एक तो आप उस डॉक्टर के पास जाएँ जिस पर आपको ट्रस्ट हो, वो जो कहे आपको पता हो कि यही सही कह रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गूगल करके ना जाएं। हमें नहीं पता जी गूगल क्या सही बता रहा है क्या गलत बता रहा है। मैं किसी रेसिपी को लेकर गूगल करती हूँ, मुझे नहीं पता होता कि ये रेसिपी अच्छे वाली है कि बुरे वाली है। और जब मैं किसी ऐसी खातून से डिस्कस करती हूँ, अपनी फ्रेंड जो कुकिंग की एक्सपर्ट है, वो बताती है तो बहुत ही बुरी रेसिपी है,
मैं तुम्हें ठीक तरीका बताती हूँ। ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि गूगल पे हर चीज ठीक नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम उसके एक्सपर्ट नहीं है तो हमें नहीं पता चलता कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज सही बताई गई है, कौन सी गलत बताई गई है। सिमिलरली जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं, और अगर आपको वो कुछ सर्जरी बताता है या कोई दवाई बताता है, तो अपनी साइंस ना लड़ाएं, आप वो करें जो डॉक्टर्स कह रहे हैं। बीमारी से डरें, बीमारी के इलाज से ना डरें, चाहे वो दवाई की फॉर्म में है, चाहे वो टीकों की फॉर्म में है, चाहे वो ऑपरेशन की फॉर्म में है, बीमारी से डरें। हमारी एज अ नेशन साइकी ये है कि हम इलाज से डरते हैं, हम दवाइयों से डरते हैं। शुगर है, इंसुलिन नहीं लगानी, ब्लड प्रेशर हाई है, उसकी दवाई पे नहीं लगना, बच्चेदानी में मसले हैं, ऑपरेशन नहीं करना, बच्चादानी निकालने से ये हो जाता है, बच्चादानी निकालने, दुनिया जहान के अजीबो गरीब मिथ्स। तो प्लीज़, आपका डॉक्टर जो है उसने अपनी सारी ज़िंदगी इसी फील्ड में गुजारी है, उसकी बातें सुने, उन पर अमल करें, अपनी सेहत को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखें, एक हेल्थी फ्रेश ज़बरदस्त किस्म की खातून बने, वेट मेंटेन करें, उसके लिए भी गायनोकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अपने आपको वेट मत बढ़ने दें, अपने आप को हेल्दी स्मार्ट रखें, अपने शादी के वक्त के 2-3 जोड़े अपनी अलमारी में लटका लें, और अपने आप को चैलेंज करें कि मैंने इनमें इनको उसी तरह पहनना है जैसे मैं पहले दिन पहनती थी, मैंने इनको टाइट नहीं होने देना। तो ये थोड़ी सी मैसेजेस हैं जो मैं आपको देना चाहती थी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपसे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मुलाकात होगी, तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह मियां कोरोना के इस पेंडेमिक में हम सबको महफूज रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।